मैं रोनल गोगर हमारे सुनने वालों का स्वागत करता हूं हमारे नए कार्यक्रम में लीगल एड। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कानून का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे ताकि सभी सुनने वालों को इसकी सहायता प्रदान हो सके। हमारी आज का चर्चा का विषय है कन्या भ्रूण हत्या और इसके लिए एमिटी लॉ स्कूल नोएडा से ईशान बत्स हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोनल भाई। जैसा कि आपने विषय के बारे में बताया कि आज का विषय भ्रूण हत्या के बारे में है, तो मैं सबसे पहले अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या का मतलब होता क्या है। भ्रूण हत्या का अर्थ है किसी भी शिशु के पैदा होने से पहले ही उसके लिंग की जांच कराकर या फिर उसके लिंग का परीक्षण कराकर उस शिशु को गर्भ में ही मार देना या उसका गर्भपात करा देना। या हमारे भारत में देखा गया है कि पुराने ज़माने में जबकि ये सुविधा नहीं थी कि गर्भपात या और जानने के तरीके कि गर्भ में लिंग कौन सा है, तो उस समय लड़की होने के बाद उस लड़की को एक साल के अंदर अंदर मार दिया जाता था, जिसके कारणवश हमें कई गहन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और जब आज के युग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रचलन तब शुरू हुआ जब 80 और 90 के दशक में अलग अलग तकनीकें आईं जिससे यह जाना जा सके कि जो गर्भ के अंदर शिशु है उसका लिंग क्या है, माने कि वह लड़की है या लड़का है। उसके चलते कहीं ना कहीं तक इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लिंग जानने के बाद ही गर्भ के अंदर ही उसका गर्भपात करा दिया जाता था, जिसके कारणवश आज एक बहुत ही बड़ी समस्या हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुई है। इसे हम कह सकते हैं कि लड़कियों की घटती संख्या को काफ़ी हद तक इसे जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि इस तकनीक के आने के बाद महिलाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं इस तकनीक को जिम्मेदार दे सकते हैं। अच्छा ईशान जी, तो मुझे आप ये बताइए कि इस दुष्नीति का जिम्मेदार कौन है और इससे हमारे समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े। हम किसी एक चीज़ को अंकित करके ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ इस कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए पूरा ही समाज और वह अधिकतर जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, वह भी इसमें कहीं ना कहीं भागीरथ हैं। और इस भागीदारी के चलते ही ऐसी कृतियाँ और ऐसे दुष्टता हम कह सकते हैं हमारे समाज में व्यापित हैं। इसके लिए मैं अगर संदर्भित करना चाहूँ अलग अलग पॉइंट्स में, तो मैं कहूँगा पहला जिम्मेदार वह व्यक्ति है जो अपनी पत्नी का गर्भपात कराता है, और इसलिए कराता है क्या, क्योंकि उसके गर्भ में वह लड़की है, वह लड़की जिसके माध्यम से वह इस दुनिया में आया है और इस दुनिया का बोध हुआ है। दूसरा जिम्मेदार और बहुत बड़ा जिम्मेदार वह डॉक्टर है जो कि अपने ज्ञान की आहुति देते हुए चंद पैसों की लालच में इस जघन्य अपराध को करने के लिए उद्यत हो रहा है। और तीसरा जिम्मेदार मेरे ख्याल से पूर्ण समाज ही है। ईशान जी, मैंने तो ये भी सुना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लड़कों को शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल सही। क्योंकि स्त्री पुरुष अनुपात, यानी जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, वो पिछड़ता जा रहा है और इसका कारण हमें आज भी पता नहीं चल पा रहा। ये बड़ा ही असमान हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आपने बहुत ही अच्छा पहलू उठाया है। यहाँ पे स्त्री और पुरुष के अनुपात की बात की जा रही है, यानी सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। हम यह कह सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो तत्कालीन प्रभाव में है, या फिर 2011 के जनगणना या फिर 2011 के सेंसेक्स के द्वारा जो हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच का कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व दर्जा प्राप्त हुआ है। महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यह संख्या बढ़ने का एक ही उद्देश्य हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आई है, लोगों में एक नई सोच की उत्पत्ति हुई है कि नहीं, महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है, महिलाओं को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना किसी एक पुरुष को। मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारतवर्ष में 2011 के जनगणना के हिसाब से 0.47% का इंक्रीज हुआ है, मतलब उनकी ग्रोथ जो हुई है, वो जो पर थाउजेंड मेल्स के ऊपर जो महिलाओं की ग्रोथ रेट है वो 0.47% बढ़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी खबर है, ये एक सकारात्मक सोच को दर्शाती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जी। तो मुझे ये बताइए कि कानून में हमारे सुनने वालों के लिए या पीड़ितों के लिए ऐसी कौन सी सहायता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कौन से नियम हैं या प्रोविजंस हैं जो इस कार्य को रोक सकें? बहुत ही अच्छी बात की है आपने कानूनी पहलू की बात यहाँ पे उठाई है। तो मैं कानूनी पहलू पे जाते हुए ये कहना चाहूँगा कि इसके कानून में एक व्यापक व्यवस्था की गई है इसके रोकथाम के लिए, जो कन्या के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके जो और उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल ही रहा है। इस कानून में पहला कानून में जो आप श्रोताओं सुनने वालों को बताना चाहूँगा वो है PNDT एक्ट, जिसे कहा जाता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नोटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जो 1994 में बनाया गया।
इसके इस एक्ट के तहत कानून में ये डाला गया है कि जो लिंग का परीक्षण किया जाता है और गर्भ में ही, उसको प्रतिबंधित किया गया, उसे इलीगल करार दिया गया। इससे क्या हुआ कि इससे जो पहले जो बच्चों का गर्भ, जो बच्चे पेट में ही मार दिए जाते थे या जिनका गर्भपात जल्दी करा दिया जाता था, उस पर एक लगाम लगी है। दूसरा कानून आया IPC, जो कि बहुत ही पुराना कानून है, ये सबसे नॉर्मल कानून है किसी भी क्राइम के लिए। उसमें दो सेक्शंस डाले गए स्पेशली इसी चीज़ के लिए, जो कि 312 और 316 हैं, और दोनों ही के तहत ये कहा गया कि जो भी ऐसे अपराध को अंजाम देता है, उस अपराध को कल्पेबल होमोसाइड की श्रेणी में डाला गया और उसके लिए 10 वर्ष की सज़ा नियुक्त की गई है। उसके बाद एक कानून आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1976 में यह एक्ट आया, पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया और ये लागू भी हो गया है। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि एक सर्टेन स्टेज के बाद जो चाइल्ड अबॉर्शन होता है, या कह सकते हैं जो गर्भपात होता है, उसको प्रतिबंधित किया गया। तो चाइल्ड अबॉर्शन प्रतिबंधित करने का एक मुख्य कारण ये रहा कि जो लिंग परिणाम आ जाते थे उसके बाद उनका गर्भपात करा दिया जाता, उस पर एक बहुत हद तक रोकथाम लगी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस डाले गए कि अगर मान लीजिए जो महिला है, जो माँ है, उसको अगर उसकी जान को खतरा है, तो उस केस में उस अबॉर्शन को लीगल करार दिया गया और उसके वैलिड रीज़न लेके उसे करने की इजाज़त दे दी गई। तो ऐसे कुछ पहलू हैं कानून में और ये बहुत ही व्यापक है। अगर इसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये जो ये हो रहा है, ये जघन्य अपराध हो रहा है, इस पर रोकथाम लग सकती है। जी, आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें आज दुनिया के अव्वल नंबर के प्रतिभाशाली लोग पैदा होते हैं, पर फिर भी हम इस समाज के पारंपरिक दलदल में फंसे हुए हैं। तो इस घोर हत्या के कौन से प्रमुख कारण हैं? जैसे कि आपने बात की कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने के बावजूद हमें इस कठिनाइयों का और ऐसी दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता है। महिलाओं पे होता हुआ अत्याचार कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसमें कई ऐसे छोटे मोटे कारण हैं जो इसे प्रमुख बना देते हैं, और इन्हीं प्रमुख कारणों के कारण ये आज ये इतनी इस उफान पे आ गया है कि एक चर्चा का विषय हो रहा है और आप और हम इसकी गहन चर्चा में विलीन हैं। तो इस सब में आम आदमी का क्या जिम्मेदारी बनती है और कहां कहां हमें अपने रेलेवेंट लॉज में सुधार करने की आवश्यकता है? जहां तक आपने लॉ की बात की, तो मैं आपको ये सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि जो हमारे लॉज हैं वो काफ़ी प्रबल हैं, प्रभावशाली हैं। अगर उन्हें ढंग से सुचारू रूप से ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट कराया जाए तो इसमें कहीं हद तक रोकथाम हो सकती है, उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां तक आपने एक नैतिक जिम्मेदारी की बात की, देश का नागरिक होने के कारण, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब इस व्यवस्था का ही अंग हैं, और इसी के नाते कहीं ना कहीं हम सब उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि और कोई, और जो इस अपराध को अंजाम दे रहा है। इसके आगे मैं आपको ब्रीफिंग में ये कहना चाहूँगा कि इस जो मुहिम हमने चलाई है, बेटी बचाओ अभियान जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है और अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही है, इनमें हमें सक्रिय भागीदारी देते हुए शक्तिकरण प्रदान करना है, लोगों को जागरूक करना है और उन्हें इस अंधकार से ऊपर लेके आना है कि नहीं, महिलाओं का भी उतना ही हक है और महिलाएँ किसी के लिए बोझ नहीं है जबकि एक वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और उसके माध्यम से आपने समाज में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है। धन्यवाद। इसके बाद भी यदि आपको कोई सहायता या क्वेरी हो तो आप हमें लिख सकते हैं I2 Block एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर 125 UP, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ssingh21@amity.edu पे। इसके साथ मैं रोनिल गोबर आपसे विदा लेता हूँ और यकीन करता हूँ कि हमारी ये कोशिश सफल रहे और हम समाज से इस दुष्टता को जड़ से उखाड़ सकें। जय हिंद।